So hey you, what's up my Yuri fam? This is a boy Borsh Singh and you're watching my channel. तो मुझे बहुत से DMs आ रहे थे and suggestion आ रहे थे to make a video on Indian politicians. तो मैंने सोचा कुछ ना सबको mix किया जाए और एक सही सा video बनाया जाए Indian Parliament पे. Indian Parliament खतरनाक चीज है भाई. यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा. रोमांस. मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो. मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं. शायरी. दीदी को मैं दीदी मानता हूँ. अनादर मत होना. मुझे एक शेर आता है आपको देख करके. मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता. अरा के बनारस में पान खाने नहीं आता. शायरी के बदले शायरी. मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है. तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी. आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं. तो आज हम मेनली बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के सबसे बड़े दो थग्स के बारे में, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में. तो जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात हो रही थी तो हमारे यहाँ के कुछ पार्टीज और कुछ पॉलिटिशियंस ये तक बोल रहे थे कि वहां का 370 कोई टच भी नहीं कर सकता. ना ही कोई मोदी, ना ही कोई अमित शाह, ना ही पूरी बीजेपी मिलके. एंड उसके बाद जो हुआ 370 जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है तब तक 370 भारतीय जनता पार्टी 200 साल हुकूमत करेगी तो भी वो हटाने. रुको जरा, जवाब दूंगा. और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूँ कि भारत 370 हटाने में एक सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए. घड़ी बनी सोच बुनियादी हर बीट पे फटा मैं बॉम्ब बन के जिहादी बेस भक्त मैं पाते मेरी आतंक नजर पास शक. तो बस इसीलिए कहा जाता है कि भूखे शेर और अमित शाह दोनों को छेड़ना नहीं चाहिए. तो हमारे मोटा भाई यहाँ के बाद भी रुकने वाले कहाँ थे, वो हमें थग लाइफ मोमेंट्स पे थग लाइफ मोमेंट देते गए. और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है ये सरकार बताए. तो हमारे मोटा भाई हमारे मोदी जी कहाँ पीछे हटने वाले हैं. तो चल रहा था एक इंटरव्यू और बात हो रही थी डिसलेक्सिक बच्चों के बारे में और हमारे मोदी जी नेक्स्ट लेवल. हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है. डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज्यादा स्लो होता है बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफी अच्छा होता है. जैसे कि हम तारे जमीन पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफी अच्छा था. तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी. उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे की गोद में. आसमां से कूदे अंगड़ाई ले. तो सब बेसिकली ये तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी. बोलूंगा बाद में, चल बंद करिए ढोल. आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है. यही कहते थे हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है. तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तेरा बाप. तो जब इंडिया में एप्स बैन होने लगे और वो लोग जो लिस्ट में पबजी का नाम ढूंढ रहे थे उनको आज मैं रियल रीजन बताऊंगा क्यों पबजी बैन नहीं हुआ. महोदय, पहले मेरा बेटा
पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। मायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? तो अगर कभी ट्रोलिंग का कंपटीशन हुआ और रैंक वन यहां सेट किया जाए तो मोदी जी कहीं यहां पे आएंगे, क्योंकि अगर किसी को ट्रोलिंग सीखनी है तो कोई इनसे सीखे। सीखे इनसे सीखे। Sit down, this is not the way. I have to name you, please. अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए। टू द ऑफिस एंड आल्सो टू मीडिया, सभापति जी, नॉट टू रिपोर्ट सच अ लूज टॉक एंड अनरूली बिहेवियर। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। आप कह रहे हो कि यहाँ आलू की फैक्ट्री लगवाओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे किसान की मदद करो। अंत में मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं दबाव डाल सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। बात ये है कि हमारा पार्लियामेंट थक गया, कतई थक गया, दुनिया में सबसे थकेस्ट पार्लियामेंट है हमारा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक थम्स अप, अगर नए हो तो नीचे जो लाल कलर का, सुनो जा कहा रहे हो, नीचे जो लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, जाओ उसको दबाओ, अभी जाओ दबाओ और लाइक भी कर दो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, और कौन सी बड़ी बात है यार, फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, प्लस अगले वीडियो के लिए कुछ आइडिया दे दो। तुम्हें लोग तो हो, तुम्हें लोग का बात सुन लो, तो अगले वीडियो के लिए कुछ आइडिया दे दो। टिल देन लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, पीस आउट। हम भी चले यार, बहुत दिन हो गया। चल स्वप्निल, बजा बजा बजा।